हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। 5 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी रिलीज होने वाली है। चलिए आज रिएक्ट करते हैं उसके ऑफिशियल ट्रेलर पे। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। टेल मी, व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईसिस? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बताइए, हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। शालिनी! फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनी खेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 girls में से 7 Christian हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं ऑब्वियसली, बिकॉज समहाउ जो ट्रेलर है बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंगेजिंग बनाया है, मूवी के बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट की है। लाइक मुझे अभी रियली जानना है मूवी पूरी देख के, सो ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग है। मैं ये प्योरली एक मूवी लवर और क्रिटिक के बेसिस पे बोल रहा हूँ, इस पर कुछ रिलीजन पॉलिटिक्स ये सब के ऊपर मुझे बात नहीं करनी है। बट ट्रेलर देख के ज़रूर मुझे मूवी एक बार कंप्लीट देखनी है। सो 5 मई डेफिनेटली excited about this.